नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के दौरे पर रहेंगी, जहां वे सबसे पहले देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगी और इसके बाद राष्ट्रपति झारखंड हाईकोर्ट के नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगी। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच आज दिल्ली में होगी कांग्रेस पार्टी की बैठक, जिसमें आगामी राजस्थान चुनाव को देखते हुए कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सीबीआई ने आज एक बार फिर से मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखरे को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित रूप से ड्रग्स मामले में फंसाने और रिश्वत की मांग करने का आरोप है। बता दें कि पहले भी वानखरे दो बार सीबीआई पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, खुशी की बात है कि जब से मैंने आप लोगों से लाइक और कमेंट करने को कहा है, तब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज कमेंट किया है उनका नाम है परवीन कलिता, सत्येंद्र शाह, नुपुर सिंह राजपूत, शाम पोयरन, उपेंद्र, कुमुद चंद शर्मा, विकास रेखी, दिनेश कुमार, मुना सिबली सैयद, शैल प्रसाद, माधव प्रसाद, कुमार राम चंदानी, विशिष्ट तिवारी, निधि नाथ पांडे, हरेंद्र भक्त, दिलीप मिश्रा, मेडीलाल मौर्य, होम छेत्री, देवेंद्र साहू, बाबू राजा खान, सतीश चौबे, सैलू सिंह, विशिष्ट नारायण सिंह, आरती राय, विशिष्ट तिवारी, अरुण डांग। असम और मेघालय सीमा विवाद के बीच आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के बीच दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर चर्चा होगी। आज से दो दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। बता दें कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए केजरीवाल लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज दरभंगा जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं के सामने अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भाजपा में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े नक्सली घटना में से एक दरभा झीलम घाटी नक्सली हमले की बरसी 25 मई को है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज यहां पहुंचने वाले हैं, जहां कल वे इस घटना में जान गंवाने वाले कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देंगे। नोएडा में बैंक लॉकर से 30 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां बैंक प्रबंधक समेत कर्मचारियों पर लग रहा है चोरी का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा 40 दिन में दूसरी बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश क्या कर रहे हैं, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे और उनकी बहुमत की सरकार थी, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब चुनाव हुआ तो आंध्र प्रदेश में उनके 3 सांसद बचे और 23 विधायक जीत पाए। पंजाब के गुरदासपुर में नशे में धुत होमगार्ड के जवान ने क्राफ्ट मेले के बाहर गोलगप्पों को लेकर हंगामा कर दिया, जहां होमगार्ड के जवान ने 20 रुपए के गोलगप्पे खाए और रेहड़ी वाले ने पैसे मांगा तो उसने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने उसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांव में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रैनी वेल परियोजना पूरी हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें कि अक्षय कुमार आजकल उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 आरोपियों को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां लगभग 2 घंटे तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को फिर से ईडी को रिमांड पर सौंप दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के बीच ट्विटर वार जारी है, जहां शुरुआत में कांग्रेस ने एक पोस्ट कर ट्वीट में कार्तिकेय को युवराज का टैग दे दिया। इस ट्वीट से भर के कार्तिकेय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए परिवार पर हमला करने के बजाय असली मुद्दों पर राजनीति करने की सलाह दे दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में जल साहसिक धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही दुनिया के शीर्ष 50 गंतव्यों और वैश्विक यात्रियों की यात्रा पैकेट सूची में शामिल होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया कि नौकरशाह की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। ब्रिटेन में प्रेस्टन के नए मेयर बने गुजरात में जन्मे याकू पटेल, जहां लेबर पार्टी के सदस्य पटेल 1995 में पहली बार अवेनहम वार्ड से काउंसलर चुने गए थे। वह प्रेस्टन सिटी काउंसलर के इतिहास में पहले मुसलमान काउंसलर थे। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर में करेंगे बड़ी चुनावी जनसभा, जहां गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेरेंगे। उत्तर प्रदेश के कोंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के तलाक मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में कल सुनवाई टल गई, जहां राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह कोर्ट में जवाब नहीं दाखिल की, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने भानवी सिंह से 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम चितहरी में इन दिनों कई जगहों पर हो रही है अवैध शराब की बिक्री, जिससे गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को दिया जा रहा है अंजाम और इसकी खबर पुलिस प्रशासन को होने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं अब आबकारी विभाग को इस पर कार्रवाई के लिए संज्ञान लेने हेतु ज्ञापन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के महामंत्री अफरोज अहमद सुदामा पांडे रामजीत आदि ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुल्तानपुर में विभिन्न विभागों में अटैच सफाई कर्मियों को हटाने की मांग की। महुआ के चरखारी के ग्राम गुरहरी में 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें यज्ञ आचार्य मनीष कृष्ण शास्त्री ने 18 पुराण के यजमानों का विधि विधान से पूजन कर मुंडन संस्कार करवाया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अब तक लाइक और कमेंट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक कमेंट नहीं किया है, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और आगे जिन लोगों ने कमेंट कल किया था उनका नाम है अमृत भाई देसाई, गुडवे ट्रेवल्स, अशरफ अली, करण सिंह, मनवीर सिंह रावत, विपिन पात्रा, विश्वनाथ राम, पुरुषोत्तम पांडे, सुल्तान अंसारी, जय विजय सचान, अमन कुमार, दावेनार वर्मा, अंसारी रसीद, मोटिवेशन वाय एके भैया, अरुण यादव, कमल साहू, रणवीर शर्मा, सोम विवेक, रमा शंकर यादव, मिथुन कुमार, सुरेश कुमार, कैलाश जाट, शिव प्रताप सिंह, सलीम मदनी, महेंद्र भट्ट, मन्नू गुप्ता, विजेंद्र सिंह विजेंद्र, अमन पांडे, ईश्वर चंद सिंह, काजल कुमार गांगली, सत्येंद्र शाह, अमर सिंह चंदेल, आरती रॉय, पीसी मिश्रा, बलदेव सिंह, श्याम नंदन चौधरी, धर्मपाल, उपेंद्र सिंह, शिव प्रताप सिंह, रविंद्र कुमार, चंद्रजीत, सुखारी शाह, सुभाष यादव, पूरन सैनी, ललित यादव, रामदयाल सिंह, कैलाश जाट, रिजवान शेख, आराधना आहुजा, नितेश कुमार गुप्ता और संतोष भटनागर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम एक बार फिर से नंबर 1 यूट्यूबर बन सकें। नमस्कार, धन्यवाद।